I thank God for today's encouraging words. मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ आज के प्रोत्साहित वचन के लिए. Psalms 46 verse 10. Be still and know that I am God. Psalms 46. 46 10. Verse brother. Psalms 46 verse 10. Okay. भजन संहिता 46 उसके उसमें वचन है. चुपचाप चुप हो जाओ जान लो कि मैं परमेश्वर हूँ. And we heard that Roman 12:1, present your bodies as living sacrifice. जैसे कि हमने अभी रोमियो में वचन सुना कि अपने देहों को परमेश्वर को जीवता हुआ बलिदान करके चढ़ाएं. So presenting our body as a living sacrifice. परमेश्वर के सामने अपने देह को जीवता हुआ बलिदान करके चढ़ाना. And being still is the same thing. और चुपचाप रहना दोनों एक समान ही बातें हैं. Being still means do not do anything. चुपचाप रहने का अर्थ है कुछ भी करना नहीं है. That indirectly means that we should not do anything on our own will or understanding. इसका अर्थ ये होता है कि हमारे खुद की समझदारी के ऊपर हमारी खुद की इच्छा से हमारे जीवन में कुछ भी हमें नहीं करना है. Now you please go to Proverbs 3 verse 5, 6, 7. अभी जाएंगे हम नीति वचन तीसरा अध्याय 5, 6, and 7 वचनों की ओर. Trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. In all your ways acknowledge him and he shall direct your paths. Do not be wise in your own eyes. Fear the Lord and depart from evil. तो अपनी समझ का सहारा न लेना वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना उसी को स्मरण करके सब काम करना तब वह तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा. अपनी दृष्टि में बुद्धिमान ना होना यहोवा का भय मानना और बुराई से अलग रहना. This is the meaning, my dear brothers and sisters. यही है अर्थ मेरे प्रिय भाइयों बहनों. Be still means we have to trust our God completely. चुपचाप रहने का अर्थ ये है कि हमारे परमेश्वर के ऊपर हमें पूरी तरह विश्वास करना है. And do whatever he will or he says to do. और वो सारे कार्यों को करना जो उसकी इच्छा में है जो हमसे वो करने के लिए कहता है वही. Sometimes we thinking that our plans are very good. कहीं बार हम ऐसा सोचते हैं कि हमारी जो योजना है वो बहुत अच्छे हैं. But God is telling God's plan is very best. परंतु परमेश्वर कहते हैं कि परमेश्वर की जो योजना है वो हमारे लिए सबसे उत्तम है. He has already planned our life, planned for our lives, for the prosperous and future. परमेश्वर ने पहले से ही हमारे जीवन की योजना बना के रखी है कि हमारे जीवन में सफलता आए, आशीष आए. His ways are very best. और उनके मार्ग जो है वो सर्वोत्तम है. His thoughts are very best. परमेश्वर की जो सोच है वो सर्वोत्तम है. That is why we have to trust God and do whatever he does, do say. इसलिए हमें परमेश्वर पर भरोसा रखना है और परमेश्वर जो कुछ भी हमसे कहते हैं सिर्फ वही कार्यों को करना है. That is the meaning of be humble. इसी का अर्थ होता है नम्र बने रहने का. If we humble, God will give grace to us. अगर हम नम्र बने रहेंगे तो परमेश्वर हमें अनुग्रह देंगे. As we heard that sister and that one sister story brother told, that sister is not willing to be taught by God. तो जैसे कि हमने एक बहन की कहानी सुनी, भाई ने कहा कि वो जो बहन जो है परमेश्वर के द्वारा सीखने के लिए तैयार नहीं थी. That means she was proud. इसका अर्थ ये है कि वो घमंडी थी. Proud people, God will not tell anything or God will not speak. और जो घमंडी होते हैं उनसे परमेश्वर कुछ भी नहीं बोलते हैं, कुछ भी नहीं कहते हैं. Humble means be teachable. और नम्र रहने का अर्थ ये है कि सिखाए जाने के लायक रहना. Accept the correction of our elders. और हमारे जो elders होते हैं उनकी जो सुधारने वाली बातें हैं उसको ग्रहण कर लेना. Ready to acknowledge our fault. हमारी कमियों को अंगीकार करने के लिए तैयार रहना. Repent immediately and confess our sin immediately. पश्चाताप जल्दी से कर लेना, हमारे पापों का कबूल जल्दी से कर लेना. So my dear brothers and sisters, be still and our mighty God will help us, bless us, amen. इसलिए मेरे प्रिय भाइयों बहनों चुपचाप रहें तो हमारा जो सर्वशक्तिमान परमेश्वर हमारी सहायता करेंगे, हमें आशीष करेंगे.